कैसे मेरे होटल वाले दोस्तों, मेरा नाम है शेफ धीरज और आज हमारा टॉपिक है डीसीडीपी क्या होता है होटल में। डीसीडीपी का फुल फॉर्म है डेमी शेफ दी पार्टी। ये इंग्लिश टर्म नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ये एक फ्रेंच टर्म है। जो भी चैनल पे रहे हैं प्लीज लाल वाला बटन दबा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आपके पास नई वाली वीडियोस आ जाएंगी और जिन्होंने ये काम कर दिया है उनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। तो चलिए डीसीडीपी हमारी फर्स्ट, हम बोल सकते हैं हमारा स्टेप होता है कि जबकि हम एक मैनेजमेंट लेवल में एंटर करने लग जाते हैं या हम लोग एक सुपरवाइजरी लेवल को स्टार्ट कर देते हैं। कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1 के बाद हमारी जो सबसे पहली पोजीशन होती है जिसमें हमारे आगे एक शेफ लग जाता है वो होती है डीसीडीपी डेमी शेफ दी पार्टी। तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप एक जो कॉमी वाला जोन है, कॉमी वाले लेवल से उठ के जो नॉर्मल हमारे किचन की एक सबसे जूनियर पोजीशन होती है उससे निकल के आप एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। अपनी जिंदगी में आपने एक कुछ मुकाम पा लिया है और आप कहीं भी कह सकते हैं कि मैं एक होटल में शेफ हूं। उससे पहले आप जब भी बोलेंगे आप बोलेंगे कि मैं कॉमी 3, कॉमी 2 या कॉमी 1 हूं, पर अगर आपके पास डीसीडीपी पोजीशन आ जाती है तो आप बोलते हैं कि मैं एक शेफ हूं एक होटल में। अब ये क्या करता है या इसका काम क्या होता है, हम ये सारी बातें बताएंगे। अभी देखिए आप जैसे सबसे हमारी पहले जो सबसे ऊपरी पोजीशन होती है वो एक्चुअली शेफ होती है, सूस शेफ होती है। उससे पहले हमारी आपकी सीडीपी आती है, शेफ दी पार्टी इसको बोलते हैं, उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और उससे पहले आपकी डीसीडीपी है। तो आप देखिए कि आप दोनों जो एक जूनियर पोजीशन और एक हायर पोजीशन के बीच में एक मिडिल में आप हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से काम करना होता है। आपको डीसीडीपी बनने के लिए एटलीस्ट आपको 3 से 4 साल लग जाते हैं अगर आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप चाहें, मान लीजिए कहीं कहीं होटल्स में क्या होता है कि सिर्फ एक पोजीशन दे जाती है कॉमी, वहां पे कॉमी 3, 2, 1 कुछ नहीं होता है, तो आप वहां पे कुछ साल काम कीजिए, 1.5-2 साल आप दूसरी जगह सीधा डेमी शेफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सीधा आपने अपने डिग्री डिप्लोमा करा, आपने एक कंपनी में 2 या 3 साल दिए, आप डीसीडीपी के अप्लाई करिए, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब इसकी बात करें इनका काम क्या होता है, तो सबसे पहले इनका काम होता है अगर आपके डिपार्टमेंट में रेंज पे काम करना है, मान लीजिए आपका कॉमी 1 नहीं आया है, कॉमी 2 नहीं आया है, तो ये उसका काम भी कर सकता है, ये उसको सब्स्टिट्यूट भी उनका हो सकता है। मान लीजिए चाइनीज किचन में कोई नहीं आया रेंज पे, तो डेमी शेफ उनके लिए काम करेगा क्योंकि डेमी शेफ ही वहां नीचे से एकदम उठ के आया है। इसके अलावा जो सब आपकी जब सप्लाईज आती हैं, आप लोग सब्जियां चेक करने जाते हैं शेफ उस टाइम, तो उस टाइम डीसीडीपी लोग जाते हैं, वो चेक करते हैं किस प्रकार की सप्लाई आई है, कुछ रिजेक्ट करना है, रखना है। इसके अलावा वो स्टोर की इंडेंटिंग लिखते हैं, फिर अपने जूनियर स्टाफ को देते हैं, और वो सबसे बड़ी बात है वो रोल मॉडल होते हैं अपने जूनियर स्टाफ के लिए। जी हाँ, अपने जो कि कॉमिक लेवल हो गए, हमारे ट्रेनिंग हो गए, उनके लिए एक रोल मॉडल होते हैं और वो सबसे पहले स्टेप पे होते हैं, और साथ साथ वो अपने सीनियर से सीखते हैं कैसे कम्युनिकेट करना है हमारी नीचे वाली टीम में। माफ कीजिएगा, इसके अलावा कहीं कहीं भी ये लोग ड्यूटी रोस्टर्स भी बनाते हैं, ड्यूटी सेट्स भी करते हैं, ये लोग लाइव काउंटर्स पे भी खड़े होते हैं और ये गेस्ट से भी इंटरेक्ट करते हैं। तो ये उनकी बेसिक काम है, बाकी सबका काम यही है कि कैसे गेस्ट अच्छे से सेटिस्फाई हो, उसको अच्छा खाना मिले, हमारा फूड अच्छा हो, फूड प्रेजेंटेबल हो, हमारी किचन की हाइजीन जिसको कि हम लोग फूड सेफ्टी बोलते हैं वो एकदम टॉप क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स में हो। तो ये सबका बेसिक रूल यही है। तो वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, कुछ और भी आपके अगर कमेंट्स हैं तो मुझे दीजिएगा, मैं उनके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। ये भी एक कमेंट था एक भाई का, बड़े दिनों से वो सेम कमेंट करे जा रहे थे, तो जिसकी मैंने ये कवर करा। अब आने वाले वीडियो में मैं आपका जो सीडीपी है उस वाले शेफ के लेवल को भी मैं डिफाइन करूंगा, उसकी क्या क्या जॉब होती है और कैसे कैसे वो काम करता है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।